नमस्कार, मैं हूं ज्योति बिष्ट। आप देख रहे हैं भारत फोकस न्यूज। एटा के जलेसर तहसील क्षेत्र के बंबा में पानी न आने से सूख रही धान की फसल से नाराज होकर पीड़ित किसान ने जलेसर तहसील मुख्यालय पर आमरण अनशन की दी चेतावनी। सकरौली राजवा में पानी न आने से किसानों की फसल सूखने के कगार पर है। नगवाई गांवों में किसानों ने बैठक कर आंदोलन व आमरण अनशन की रणनीति की तैयार। एटा के जलेसर तहसील क्षेत्र के नगवाई के किसानों ने धान की फसल सूखने का लगा रहे हैं आरोप। सिंचाई विभाग पर बंबा में पानी न छोड़ने का आरोप लगाया है। जलेसर थाना क्षेत्र के नगवाई गांव का है पूरा मामला। अरे सिंचाई विभाग वालों ने हमको लापरवाही दे रही, पानी दे रही ना है। और दो महीना से आता है, थोड़ा पानी आओ छोड़ दो। पुल बनाए हुए की अकबा में, पुल बनाए हुए की सितंबर में, अगस्त में और सितंबर में बनाए हुए, कोई पुल बनाने की रणनीति तो है नहीं। अब पुल बनाना चाहिए अक्टूबर और नवंबर में, और पुल हमारी फसल सूख गई है। पूरा तौर पर रोज जेसीबी आया था, मोटी रकम दे गए एक्शन ने, एसडीओ इन्हें पुल बनाए की सोच दी। बम्मा पानी ना आ रहा, हमारी फसल सूख रही है। अच्छा, पट्टे का खेत लो, मैंने 8,000 रुपया भी बम्बे में पानी ना आ रहा। मैंने पहले सूचना दी थी धन्ने की जलेसर तहसील में, एडीएम साहब आज मिले ना हमें, सिंचाई विभाग वाले ठेकेदार को मोटी रकम लेके भेज देते हैं तो पुल टूट जाए और पानी न देना पड़े, फसल सूख रही है।